मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, कुरान हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं हैं, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं हैं। हम चीख हैं, आवाज हैं गूंगी प्रजा की, आईना है समाज का, कोई राजा की दरबार नहीं है। इन पंक्तियों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यू न्यूज सेलिब्रेशन 2017 के एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ में। मैं मथुरा हूँ, ठाकुर तेजपाल सिंह मथुरा हैं, प्रदीप माथुर मथुरा हैं, और यदि हम देखें तो आप सभी मथुरा हैं। डॉक्टर जैद हसन साहब मथुरा हैं, श्याम सुंदर उपाध्याय मथुरा हैं, लेखराज सिंह मथुरा हैं, कुंवर नरेंद्र सिंह मथुरा हैं, लेकिन इन सब के बावजूद क्या मथुरा को ऐसा होना चाहिए जैसा आज है? इसीलिए ये हमने ये टाइटल लिया है, और ये अपने न्यू न्यूज़ पर विभिन्न ब्रेकिंग्स के माध्यम से संदेश दिया है, बताने का प्रयास किया है कि ये जो सेलिब्रेशन है वो हम किस लिए मना रहे हैं, थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। कि अचानक ही जब ये ख्याल आया कि 27 जून आ रही है, तो हमारे जो डायरेक्टर हैं श्री कैलाश गुप्ता, उन्होंने अचानक से ये एक अपना आदेश दिया, बल्कि ये एक जिम्मेदारी सौंपी कि इस बार कुछ खास होना है न्यू न्यूज़ के माध्यम से, जन जन की पीर हरने का प्रयास होना है। मथुरा में तमाम समस्याएं बिखरी पड़ी हैं, अपराध ही नहीं हैं, और बहुत सारी समस्याएं हैं। तीन लोक से न्यारी ये मथुरा नगरी योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, राधे जू की लीला स्थली है, लेकिन इसका स्वरूप आप देखें तो बड़ा विकृत नजर आता है, दिल रोता है देखकर ऐसे ऐसे राजनेताओं को जो लाखों करोड़ों नहीं अरबों की बात करते हैं, खरबों की बात करते हैं, इसके बावजूद धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। जे नर्म कतव पलीता लग ही गया, लेकिन हम आपसे अपनी बात ये कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे दिल में हो या मेरे दिल में, हो कहीं भी मगर आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। अब मैं परिचय क्या दूं, विधायक जी का, पूर्व विधायक जी का, बातों बातों में परिचय हो जाएगा, और आपको सब लोग जानते ही हैं, आप विधायक हैं, चार बार के हैं, है ना, और अब नहीं हैं, पिछले ही हाल के इस चुनाव में आपको करारी शिकस्त मिली है, 1 लाख से अधिक वोटों से हारे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं माथुर साहब आप, बात स्वागत के बताएं। पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूं न्यू न्यूज़ का कि जो अपने 15 साल पूरे होने पर इस तरह का कार्यक्रम कर रही है कि मैं मथुरा हूं। पर मैं समझता हूं कि न्यू न्यूज़ जब से मथुरा में आया है तब से एक नई चेतना की
का संचार हुआ है, लोग उत्सुक रहते हैं उसके समाचार और कार्यक्रमों को देखने के लिए। और जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपके कार्यक्रमों में और साफगोई तरीके से और बहुत बारीकियां आती जा रही हैं, अच्छे तरीके से कार्यक्रम आप दिखाने लगे हैं और मुझे लगता है कि एक स्टेट लेवल चैनल के ही टक्कर में आप लोग एक लोकल चैनल से बढ़ के ऊपर बढ़ रहे हैं। आपने मुझसे पूछा कि आप 1,00,000 वोटों से करारी हार से हारे, कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि इसी जनता ने मुझे 4 बार 20 साल MLA यहाँ से चुना और बिना किसी बिरादरी के चुना, बड़ी मोहब्बत से चुना और काम को रिकॉग्नाइज किया। वरना एक बिना बिरादरी का व्यक्ति एक क्षेत्र से बार बार लगातार 3 बार और उससे पहले 1 बार चुने, तो मैं समझता हूँ कि यमुना जी ने, द्वारकाधीश जी ने और बांके बिहारी जी ने और इस सर्वोपरि जनता ने अपने कैबिनेट से ड्रॉप किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये हार जीत तो जिंदगी के फलसफे हैं, मैं इस हार से कतई भी विचलित नहीं हूँ और इस हार को शरमाते लेता हूँ। आप हार को शरमाते लेते हैं, है ना? हार तो होनी ही थी आपकी। अरे वो तो आपकी सोच है, आप मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा प्रभावित हैं। किसी ने आपको माना नहीं, आपने किसी को पहचाना नहीं, जय नर्म का पलीता लगवा दिया। ऐसा है, शायद जय नर्म के बारे में ना तो आप जानते थे ना उस जमाने में यहाँ की जनता जानती थी। हमने मथुरा को जय नर्म में एक स्पेशल कैटेगरी में लाकर उसे शामिल कराया। हम इसकी धन्यवाद देते हैं अपनी नेता सोनिया गांधी जी को, जिनको से बार बार अनुरोध करने के बाद उन्होंने जय नर्म को मैं मथुरा शहर को शामिल किया। और उसके लिए सबसे बड़ा क्रेडिट हम देते हैं श्री अनिरुद्ध कुमार को, जो कि एक ज़माने में नगर विकास मंत्रालय में जय नर्म के डायरेक्टर होते थे। अजी छोड़िए साहब, ये तो आप पहले कई बार बता चुके हैं। उसमें रहते थे कुंवर नरेंद्र सिंह साहब, आप बताइए, अब आप रालोद में हैं, कांग्रेस में नहीं हैं, अब हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे नहीं हैं, जो ये बातें कर रहे हैं क्या वो सत्य साबित हुई हैं? जितना इन्होंने दावे किए हैं क्या वो सही साबित हुए हैं? क्या उनका क्रियान्वयन हुआ है? ठाकुर तेजपाल सिंह जी से भी बात करेंगे, पहले कुंवर नरेंद्र सिंह जी। वो योजना बहुत अच्छी थी और उससे मथुरा का बहुत बड़ा विकास होना चाहिए था और होना था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो आपसी मैं के चक्कर में उस योजना का पंठाधार हो गया। आपने भी पूरा काम नहीं किया, सुन लीजिए, क्रेडिट लेने का मामला था उस वक्त, मानवेंद्र सिंह जी भी कमीशन लेने का भी मामला था। अब कमीशन की मैं नहीं कहूंगा इस पे फ्रंट पे, लेकिन इतना जरूर था कि उसका श्रेय लेने की बात थी। पहले पता होना नहीं, ये सौभाग्य था मथुरा का, ये सौभाग्य था मथुरा का कि सांसद कांग्रेस का, MLA कांग्रेस का, नगर पालिका परिषद का चेयरमैन कांग्रेस का और MLC कांग्रेस का, उसके बाद उसमें पलीता लग गया पूरी योजना में। इनके आपसी विवाद की वजह से वो DPR जो बनी थी वो कैंसिल हो गई और उसके बाद वो आजम खान जी के हाथ में पहुंच गया मैटर, और वहां से वो वहां की टेंडरिंग हुई या जो भी टेंडरिंग हुई वो हुई और उसके साथ जो पैसा आना चाहिए था वो नहीं आया और मथुरा का विकास उससे नगण्य हुआ। ये दुर्भाग्य। ठाकुर तेजपाल सिंह जी, थोड़ा सा आपसे हम मुखातिब होते हैं क्योंकि आपके हम आभारी हैं, आपने अस्वस्थ होने के बावजूद, दाढ़ में बेहद दर्द होने के बावजूद इतना समय हमें दिया है। तो जो सम्मानित साथी बैठे हैं, मैं अपनी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और नियो परिवार जिसने 15 साल तक वृद्ध की अनवरत सेवा की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनके लिए शुभकामना देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि नेशनल चैनलों में अपना नाम दर्ज करा। बहुत बहुत धन्यवाद इन शुभकामनाओं के लिए। आपने अभी एक बात कही इस पार्टी में, मुझे तो यही बड़ा संदेह हो रहा है कि आप अपने टॉपिक से हटके बात कर रहे हैं। अच्छा, आज पार्टी की बात कहाँ हो रही है? अच्छा चलिए, आप टॉपिक पर भी आएंगे, थोड़ा सा हम मतलब आपका परिचय देते हैं तो आप ही से जान लेते हैं। आपने कहा कि मैं मथुरा हूँ, तो पार्टी का। अच्छा मथुरा में ही तो आप हैं, आप मथुरा से कहाँ इतरे? मैंने कहा कि ठाकुर तेजपाल सिंह मथुरा है। देखिए मैं तो खुद ही संशय में था, अभी आपका बच्चा जो है लड़ा था चुनाव, आपने खुद नहीं लड़ा चुनाव? मेरा बेटा चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन। हाँ,
समाजवादी पार्टी से आपका बेटा लड़ा और समाजवादी पार्टी से और उसको पहले चुनाव चिन्ह नहीं मिला वो अलग की बात है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आए तमाम तरह कांग्रेस में सब लोग वो बात हो रही है। चलिए आपको दर्द है और ज़्यादा दर्द के वक्त रह जाता है देना दुखी मन और दुखाया न करो और बुजुर्गों को इतना सताया न करो। चलिए मथुरा की बात करते हैं। आप ये बताइए कि जो आपका छाता विधानसभा क्षेत्र है एक बार चौधरी लक्ष्मी नारायण एक बार ठाकुर तेजपाल सिंह क्या आपस में आपका कोई पैक्ट है? नूरा कुश्ती खेलते हैं आप? नहीं इसको नूरा कुश्ती तो नहीं कहेंगे लेकिन ये जनता का फैसला है और जनता जो भी निर्णय लेती है वो शर्माते है और वो हर चुनाव में अगर वो परिवर्तन करती है तो जनता का जैसा निर्णय हम लोग स्वीकार तो स्वीकार करते हैं। इस बार का जो परिवर्तन रहा वो शायद आपको तो क्या क्षेत्रीय जनता को भी मतलब आपसे जुड़ी हुई जनता को रास नहीं आया होगा जो आपके समर्थक हैं आपने जो निर्णय लिया स्वयं चुनाव न लड़ने का क्या आपको भी लगता है कि वो गलत था? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए शुरू से ही हमने ये सोच रखा था कि हमको चुनाव में नहीं उतरना है बेटे को चुनाव में उतारना है और उसी निर्णय के साथ हम लास्ट तक उसी पर रहे और बेटे को चुनाव में और कुछ अस्वस्थता भी उसकी वजह थी। अस्वस्थता तो एक अलग चीज़ है लेकिन हमने मन बना लिया था कि अस्वस्थता तो एक कारण है ही उसका लेकिन इसके बावजूद भी हम ये चाहते थे कि नए बच्चे हैं नई जनरेशन आ रही है नया जमाना है तो आगे ये लोग आए जी जी अच्छा है अच्छा है तो हम लोग आप मुलायम सिंह जी के पास चिन्हों पर चल रहे हैं? नहीं मुलायम सिंह जी से तुलना हमारी जो करते बड़े देता है आप तो चरण सिंह जी के साथ के हैं आज भी हैं उस विचारधारा में आज भी अलग नहीं हूँ। ये बात मैं आपको बड़े डंके की चोट पर कहता हूँ इस हिंदुस्तान में राजनीति में आज तक ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो चौधरी चरण सिंह का उसके मुकाबले आज तक कोई दूसरा नेता नहीं। और अब हम यहाँ पर और बुद्धिजीवी वर्ग से बात करेंगे या उनकी बात करेंगे तो मुलायम सिंह जी उन्हीं के साथ रहेंगे जी उसी विचारधारा से निकले। यहाँ पर वाजपेयी जी मौजूद हैं। वाजपेयी जी आप कोई प्रश्न माथुर साहब से या ठाकुर जी से करना चाहेंगे? माथुर साहब आपकी सरकार केंद्र में 10 साल पिछले रही और यमुना का जब यहाँ आंदोलन हुआ तो उसमें आपके केंद्र के मंत्रियों ने कुछ आश्वासन भी दिया पर वो आश्वासन क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पाया? और आपने भी जब भी चुनाव लड़ा होगा तो यमुना को पहले पूजन किया होगा उसके बाद किया होगा तो ऐसी क्या बात हुई जो आपकी सरकार यमुना की उपेक्षा कर गई? देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। आप हमारे 10 साल सरकार से पूर्व में जाइए जब माननीय राजीव गांधी जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री होते थे और जब वो हमारे 85 में जब चुनाव लड़े थे तो वो हमारी चुनावी सभा में यहाँ पे आए थे। उस टाइम गंगा एक्शन प्लान लागू हुआ था और हम लोगों ने मंच से जब बात करी थी तो हमने यमुना की बात करी थी कि यमुना को भी प्रदूषण मुक्त किया जाना चाहिए तो वहीं राजीव गांधी जी ने तत्काल घोषणा करी थी कि गंगा एक्शन प्लान में यमुना एक्शन प्लान को भी जोड़ा जाएगा। उसके बाद जब 85 से 89 तक हमारी हम लोग रहे सत्ता में प्रदेश सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी तब उस समय माननीय राजीव गांधी जी ने यमुना एक्शन प्लान के लिए मथुरा के लिए और वृंदावन के लिए एक पैकेज दिया था और वो उस पैकेज से यमुना को मथुरा और वृंदावन में उस टाइम वीर बहादुर सिंह जी और माननीय नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे रिस्पेक्टिवली और पैसे अच्छा खासा पैसा लगभग उस ज़माने में 700 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया और उससे टैपिंग ऑफ द ड्रेन्स हुआ था। आज जो सीवेज पंपिंग स्टेशंस बने हुए हैं उसी ज़माने के बने हुए हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो हालांकि जेनर का बड़ा अभी बना था परंतु यमुना पार जो पानी ले जाया गया था वो उस समय ही ले जाया गया था और मथुरा के 17 नाले टैप किए गए थे और वृंदावन के 13 नाले टैप किए थे। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि चाहे वो हम सत्ता में हो चाहे कोई सत्ता में हो हम लोग कोई बड़ी वृहद प्लानिंग नहीं करते हम तत्कालिक प्लानिंग करते हैं। उस जमाने के सीवेज पंपिंग स्टेशंस अब बिल्कुल फेल हो गए हैं क्योंकि आउटर कॉलोनीज इतनी डेवलप हो गई हैं। उस जमाने में एक मथुरा एक छोटा शहर होता था वृंदावन छोटा शहर होता था
अब मथुरा में लगभग 300 अनअप्रूव्ड कॉलोनीज डेवलप हो गई हैं, जिसका कि गंदा पानी भी यमुना में ही जाता है और सीवेज पंपिंग स्टेशन की कैपेसिटी उतनी नहीं है कि उस पानी को पंप कर पाए। और इसके अलावा अधिकारियों की लापरवाही, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की लापरवाही, ये सब होती रहती है कि पंपिंग स्टेशन चलाए नहीं जाते, पानी सीधे सीधे नालियों का और नालों का सीधे यमुना में जाता है और वो पंपिंग स्टेशन उस पानी को पंप ही नहीं कर सकते क्योंकि पानी की कैपेसिटी बढ़ चुकी है। अभी जब मैं पहले डिबेट में देख रहा था कि 50 MLD की क्षमता होनी चाहिए, हमारे टाइम में 85 से 90 में 10 MLD की क्षमता की रिक्वायरमेंट थी वृंदावन की। अब आबादी बढ़ी, व्यवस्थाएँ बढ़ी, तो गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट हो, उसे प्लानिंग करनी चाहिए एक वृद्ध कार्यक्रमों की और 50 साल की आगे की व्यवस्था की। हमारी सरकार ने किया, जन आंदोलन हुए और जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड के थे वो जल संसाधन मंत्री थे और यहाँ के इतने बड़ा जो आंदोलन चला था, हरीश रावत जी और उनके बीच में एक MOU साइन हुआ था और MOU साइन होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को कुछ, माथुर साहब, गवर्नमेंट को फंडिंग कर रही थी। आपकी तो ये खासियत रही है कि जब भी माननीय माथुर साहब, आपको बता रहे, जवाब आपका लंबा होगा, आप काम करते हैं। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मथुरा हूँ। आंधियां घनघोर दरख्तों को उलट जाएंगी, बस वही शाख बचेंगी जो लचक जाएंगी। आप देख रहे हैं मैं मथुरा हूँ। ठाकुर साहब, हर बार जैसे मथुरा में मुद्दा उठता है यमुना प्रदूषण का, माथुर साहब अभी जवाब दे रहे थे, मैं उनको रोक रहा था तो बुरा लग रहा था, लंबा जवाब हो रहा था, 20 साल कह रहे थे कि मैं विधायक रहा, फिर हुआ क्या ये बताइए आप। 20 साल में आप यमुना का प्रदूषण दूर नहीं कर पाए और आप बातें बनाते हैं बहुत सारी। आपसे हम पूछते हैं कि ये जो छाता की चीनी मिल है, इसको लेकर आपको भी कोई कामयाबी नहीं मिल पाई? देखिए, छाता शुगर मिल जो बंद पड़ी है, जो हमारे ज़िले के किसानों का बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि पूरे रीजन, आगरा रीजन में एकमात्र मिल है और इससे किसान बिल्कुल बर्बाद हो गया है। हमारे किसानों ने आंदोलन भी किया, उनको लेके हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मिले, कई बार हमने प्रयास भी किया और एक डेलीगेशन भी यहाँ आया और आश्वासन दिया गया कि इस मिल को चालू कर देंगे। लेकिन इसमें एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये छाता शुगर मिल बंद हुई थी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। आज छाता क्षेत्र के प्रतिनिधि जो श्रीमान हमारे आज इस सरकार के मंत्री हैं, उनके समय में ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी वो मंत्री थे, उनके समय पे उन्होंने ही बंद कराई और आज छाता क्षेत्र की जनता उनसे ये उम्मीद करती है कि आज जब इस सरकार में मंत्री हैं तो वो इसको चलाने का भी काम करें। ये छाता बिल के लिए हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि उनको पूरा प्रयास करना चाहिए और वो इस समय इस हैसियत में हैं, मंत्री हैं, उनको चलाना चाहिए, छाता की जनता उनसे ये उम्मीद करती है। आप तो विपक्ष में हैं, आपको भी कुछ करना चाहिए, कोई धरना देना चाहिए, कोई आंदोलन करना चाहिए, केवल आपको यही नहीं कहना चाहिए कि उनको करना चाहिए, कुछ आपको भी करना चाहिए। देखिए, हमारी तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से, पार्टी की तरफ से ये पहले से संदेश दिया गया है कि 6 महीने हमको देखना है। 6 महीने देखने के बाद ही हम आंदोलन भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, वो सब जो काम है जनहित के वो सब किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि हम एक ये बता रहे हैं छाता की तरफ से, छाता की जनता ये देख रही है कि अब जब वो मंत्री बने तो उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो शायद इस मिल को चलाने का काम करेंगे। और लखन जी के नाम से विख्यात लेखराज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके बड़े भाई सरीखे हैं, बचने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि कहीं चीनी मिल हमारे ऊपर ही नहीं आ जाए? चीनी मिल का आरोप तो इसलिए मंत्री जी के ऊपर नहीं लग सकता, एक उच्च समय छाता में गन्ना की पैदावार घट गई और जब श्रीमान जी विधायक थे तो 450 करोड़ रुपया किसानों का उस मिल पर बकाया था।
माननीय मंत्री जी ने मंत्री जी रहते हुए 268 करोड़ रुपया का भुगतान कराया। छाता में गन्ना नहीं था, 10 घंटे भी मिल नहीं चल पा रही थी, मिल इसलिए बंद हुई। अब मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ माननीय मंत्री जी के ही जमाने में मिल चालू होगी। अच्छा एक बात आपसे पूछे हम, ये ढेंचा क्या होता है, ये क्यों ढेंचा क्या होता है और इसको लेकर के चारे पांच साल पूरे जोर लगाए हैं सबने, कहीं ढेंचा का कोई आरोप कोई सिद्ध नहीं कर पाया। कोई माई का लाल क्या आरोप था वैसे आपको बुलावा जाए, राजनीतिक दोष था और कोई कारण नहीं। आप बताइए तेजपाल जी, आप बताइए राजनीतिक दोष था, क्या मामला था आपको पता है या नहीं? क्यों कहवाते हो ढेंचे का? अब उन्होंने कह दिया तो थोड़ा आप भी कह दो। ढेंचे का सवाल आपने जब उठाया है तो जनता बच्चा बच्चा जानता है और आप खुद जानते हैं कि ढेंचे का क्या मामला था, ढेंचा की क्या इंक्वायरी हुई, क्या क्या बातें हुई, तो इस सब के विषय में आप। अच्छा एक दिन आपने प्रदर्शन भी किया था कलेक्ट्रेट पर, लोगों को लेकर आए थे आप, रातों रात कोई दाखिल खारिज हो गया था, एनजी रवि कुमार डीएम थे। ढेंचे को लेकर हमने नहीं, एक और प्रदर्शन, मैं ढेंचे से दूसरी जगह आ गया हूँ। एक बार आपने एक प्रदर्शन किया था कलेक्ट्रेट पर दोताने वाला। हाँ, आपने सही ध्यान दिलाया, आप भूल जाते हो, इसीलिए जनता आपको भूल जाती है। हम भूल जाते हैं इसीलिए तो हमने छोड़ दिया राजनीति। अब उसमें जहाँ तक मामला था वो दोताने की जमीन का था, दोताने के गरीब लोग थे, उनकी जमीन दूसरे लोगों ने अपने नाम बैनामा करा लिया था और वो गरीब भटकते रहे बेचारे, उसी को लेके वो लोग आए थे, उनके साथ ही हम डीएम साहब में गए। लेखराज जी आप जवाब दे दीजिए। पाँच साल जवाब देते देते और मीडिया की झेलते झेलते निकल गए, सारी जांचें हुई हैं, सब फर्जी काम है, कोई किसी पर आरोप लगा दे, किसी के आरोप लगने से आरोप नहीं लगते। यानी कि इन्होंने जो प्रदर्शन किया था वो गलत किया था और आप ये बताने के लिए वहाँ पर कलेक्टेड, आपको पता नहीं है कि सारी जांचें आपके माध्यम से हुई हैं, पूरी मीडिया ने कही है, और मैं न कोई तर्क वितर्क में जाना चाहता हूँ, लेकिन पाँच साल मथुरा के सभी साथ यहाँ बैठे बच्चा बच्चा जानता है इस बात को, दिल्ली से कोसी आते होंगे तो और कोसी से दिल्ली जाते होंगे तो, ईदगाह जहाँ बना हुआ है जिस पर लंबी चौड़ी बाउंड्री आपने देखी होगी, 27 एकड़ पे, 27 एकड़ पर जो बाउंड्री हो रही है ईदगाह की जमीन पे, उसमें उस जमीन में कौन आरोप लगा रहा है, कौन उसकी जांच कर रहा है, किसकी जमीन है वो, कहाँ से आई, किसने बाउंड्री कराई है, एक एक करके पर्त खुलने अगर शुरू हो जाएंगी तो पर्त खुलती चली जाएंगी। लेकिन मैं ये कहता कोई पर्त किसी की हिम्मत नहीं हुई, एक एक बार 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 नहीं, तीन तीन बार जांच हुई और फिर जांच के लिए तैयार है, अगर किसी के माई के लाल में हिम्मत है तो जांच करा के देख ले। किसी ईदगाह की जमीन 1 इंच नहीं घेरी गई है, न किसी की आज अपनी झोंपड़ी में बना के रहते हैं, किसी की बनी हुई झोंपड़ी में नहीं रह रहे हैं। नहीं ये बताओ जमीन किसकी है, जिस पर ईदगाह की जमीन पर जिसने कब्जा किसने किया, जिसकी बाउंड्री हो रही है वो, आप सब लोग देखते होंगे जाते होंगे यार, जब कोसी में एंट्री करते हैं तो वो दिखाई देती है अपने आप। और तो मैं मथुरा हूँ माथुर साहब, और सब ठीक ठाक तो चल रहा है, आपके बारे में सुना गया था कि आपकी कुंडली में लिखा हुआ था कि आप इस बार नहीं चुने जाएंगे, पता चल गया था आपको, क्या लगता है क्यों हराया जनता ने आपको? अब ऐसा है कि उड़द की दाल खा खा कर लोग बोर हो जाते हैं। अभी आप कह रहे थे कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, सक्सेना साहब कह रहे थे, क्यों भाई कुंवर साहब, तो मूंग की दाल, मैंने कहा मूंग की दाल भी खा के देख लीजिए, क्या दिक्कत है, हार जीत तो जिंदगी के फलसफे हैं। और जो कुछ हो रहा है प्रदेश में मथुरा में, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता ने जिस आशा से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को बिठाया लाके, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, खासतौर से मथुरा जनपद की तो बहुत ही बुरी हालत है, इतना बड़ा लूटकांड हुआ, हत्याएं हुई, कोई दिन नहीं जाता, अभी एक अखबार की कटिंग थी मेरे पास, डेट वाइज उसके आंकड़े हैं, इस दिन इतने रुपए की लूट, इस दिन इतने ये अपहरण, इस दिन ये बलात्कार, उस दिन ये भूमि पे कब्जे, फिर लूट, फिर 25 लाख रुपए की लूट, कल 8 लाख रुपए की चांदी लूट ली, गोली मार दी, हालत इतनी खराब, और उसकी तोहमत पिछली सरकारों पे लगाते हैं, कोई कड़क एसएसपी किसी जनपद में पहुंच जाता है तो उसी दिन गुंडे बदमाश जनपद को छोड़ के भाग जाते हैं,
तो जोगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, दूसरी सरकारों पिछली सरकारों में तोहमत देने से कोई लाभ नहीं है और हालात बद से बदतर हैं। मोदी जुमलों की सरकार, केंद्र सरकार जुमलों की सरकार, प्रदेश सरकार जुमलों की सरकार, इनको झूठे भाषण देने आते हैं, जनता को घुमाना आता है और कश्मीर नहीं संभल रहा, आतंकवाद नहीं संभल रहा, एक सिर के बदले में 10 सिर लाएंगे। पाकिस्तान में अभी भी मिले जाके मोदी जी परवेज मुशर्रफ से हाथ मिलाए, हो सकता है कि आम की टोकरियां उनके यहाँ पहुंच गई हो। स्थिति यह है कि दुश्मन तो दुश्मन है, आप क्यों गले लगाते हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान को हैंडल करते? जब आप सत्ता में नहीं थे तब बड़ी बड़ी बातें करते थे और आज आप सत्ता में हैं, विदेश घूमने से फुर्सत नहीं मिल रही। इसी तरह प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है, गड्ढा मुक्त 20% पैसे से करा रहे हैं और वो भी एक बड़ा बहुत बड़ी जगलरी हो रही है। सड़कें आपको ठीक करानी थी तो जो बहुत खराब सड़कें थी उन्हें SGBC कराते जिससे कि लोगों को राहत मिलती। अब बारिश होगी वो गड्ढे वड्ढे सब बराबर हो जाएंगे, फिर जांचें बैठेंगी। आप पुरानी सरकार पर जांचें ही जांचें बिठा रहे हैं और कोई काम आपके पास है नहीं। आपके पास पुराने डॉक्टरों की भर्ती हो जाएगी, अस्पताल में इतनी केयरलेसनेस है, आप कानून व्यवस्था इतनी बदतर है, विकास की बातें बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मथुरा के लिए 4600 करोड़ रुपए का पैकेज, पैसा कहाँ से आएगा? बड़ी बड़ी बातें कह के जनता को गुमराह करना, तो पैसा और जुमले अभी भी चल रहे हैं, सारी बातें चल रही हैं। और मैं समझता हूँ कि थानों में करप्शन और ज़्यादा बढ़ गया है और सुविधा शुल्क और ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए केवल नकारात्मक बातें मत कीजिए आप, कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं। मथुरा एक धर्म नगरी है, यहाँ पर खुलेआम मांस बिकता था उस पर प्रतिबंध लगा है, कट्टी घर पर प्रतिबंध था इसके बावजूद वो चलता था, अवैध कटान होता था उस पर रोक लगी है। ये बात और है कि वैकल्पिक व्यवस्था उन मीट व्यवसायियों की हाई कोर्ट के आदेशानुसार अभी नहीं हो पाई है, आप यहाँ बोल दीजिए। जो काम अवैध है वो अवैध है, उसे लीगलाइज करना चाहिए और उसे लीगलाइज जो भी एक बड़ा तबका मथुरा जनपद में रहता है उसे भी आप एक तरफा नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ माइनॉरिटीज में भय व्याप्त है, अपने आप को बड़ी अनसिक्योर महसूस कर रही है और उन्हें ऐसा डर लग रहा है कि क्या होने जा रहा है। ये आपका राजनीतिक हित साधने वाला वक्तव्य, वो अपने देश में ही अपने आप को पराया समझ रहे हैं और हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहते, लेकिन कुछ पिछली बातें तो करनी आवश्यक हो जाती हैं। जब डॉक्टर देवेंद्र शर्मा यहाँ पर हो ये कहते हैं कि आपने इनको छल से हराया है, पुरानी बातें आप ही कही अपनी बात। देखिए मैं तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हराने की और जिताने की तो जय अब दोनों एक से हो गए तो अच्छा। वो वाला विषय तो खत्म हो गया, हारने वाला जे भी हार गए मैं भी हार गया, अब मैं कैसे हारा उसका जनता ने जवाब दे दिया, वो बात तो बराबर हो गई। अब मैं तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा जुमले की सरकार है, लेकिन मैं माथुर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारी सरकार तो जुमले की है लेकिन आप 20 साल से 5 साल पहले दिखाया दिवास्वप्न और 15 साल से अब दिखा रहे थे दिवास्वप्न, तो जनता ने जवाब दिया क्योंकि आपकी तो कुनबे की सरकार। नहीं नहीं तो मेरा कहना यह है कि 15 वर्ष से केवल दिवास्वप्न दिखाने का काम मातृ सामने किया, उसका बदला जनता ने 1,01,000 से हरा कर दे दिया। लेकिन आपके क्योंकि पहला प्रश्न इन्होंने जो किया नर्म वाली बात आई, मैं तो आज तक नर्म का मर्म ही नहीं जान पाया, जब जनसंख्या कम थी तो नाले चौड़े थे और जनसंख्या ज्यादा हो गई नाले सकरे हो गए, आखिर करोड़ों रुपया कहाँ गया? करोड़ों जनता करोड़ों रुपया जनता ने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहा, मैंने प्रश्न किया जनता से, जनता ने जवाब दे दिया। फिर जमुना प्रदूषण की बात है, यहाँ पर जितने भी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं जमुना प्रदूषण में मैं भी दिल्ली तक गया था और ये बैठे भैया जी भी और भी लोग गए थे, लेकिन मैंने वहाँ देखा जमुना प्रदूषण में क्या हर बार समझौते का नाटक होता था। अभी कह रहे थे डेमो हो गया उससे क्या कहें मैं जल संसाधन मंत्री से और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? कट्टीगर जरूरी है, जमुना प्रदूषण भी जरूरी है, कट्टीगर की बात करूंगा कट्टीगर रखूंगा और खून बहेगा पशुओं का, वो जमुना प्रदूषण नहीं होगा तो क्या होगा? इस बात का तो उत्तर दिवास्वप्न में दिखाते रहे मातुर साहब, अब इन प्रश्नों का उत्तर जनता ने दिया है।
सड़क पर सड़क बन रही थी, करोड़ों रुपया कहाँ गया उसका जवाब नहीं बना, उसका उत्तर जनता ने दिया है। आज हम दोनों, आज मेरा बड़ा भाई और हम दोनों एक से इसी वजह से, मतलब गरीब ब्राह्मण की हाल एडूबी क्यों, अब जे तो जनता ने उत्तर दे दिया, जनता ने उत्तर दे दिया और जोरदार ढंग से दिया। अच्छा, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है, मेरे प्रश्नों का उत्तर जनता ने दे दिया। मेरे प्रश्नों बोलने की कोशिश मत करना, ना मेरे प्रश्नों का उत्तर मथुरा वृंदावन की जनता ने दे दिया है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए ऐसा है, हमने आपसे कहा कि आपकी जुमलों की सरकार है, ये 3 साल केंद्र सरकार को हो गए, गंगा गंगा की गंगा पुत्र गंगा ने बुलाया है। वाराणसी में हम गए थे तो जब मोदी जी चुनाव लड़ाए थे कि मैं खुद नहीं आया हूँ, गंगा ने बुलाया है। 3 साल से गंगा की कहा, अरे वो तो मथुरा की बात कर रहे हैं सर, प्लीज मुझे माफ कीजिए। उन्होंने कहा कि जब जनसंख्या कम थी तब नाले चौड़े थे और जब जनसंख्या बढ़ गई तो नालों की चौड़ाई कम हो गई, इस बात का जवाब दीजिए आप। यमुना प्रदूषण की मुक्ति का जो काम है वो प्रदेश सरकार का काम तो एग्जीक्यूट कराना है, फंड देना केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार ने 3 साल से उत्तर प्रदेश सरकार को यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कितना पैसा दिया ये बता दीजिए, उमा भारती के कितने स्टेटमेंट आए ये बता दीजिए। तो बड़ी बड़ी बातें, जुमलों की जो बातें मैं कर रहा हूँ ये जुमले हैं आपके, और उमा भारती कई बार आई वृंदावन, अक्सर आती है, हर बार यमुना को प्रदूषण मुक्त करने की बात करती है, वो कहाँ हुई। जहाँ तक दीवार सपन दिखाने की बात है, मथुरा में रेलवे ओवरब्रिज कितने बन गए, समानांतर पुल सबके सामने है, दिव्य सुख नहीं है। सड़कें नगर पालिका है आपकी थी, चाहे मथुरा की हो चाहे वृंदावन की हो, वहाँ इंटरलॉकिंग टाइल्स पे टाइल्स चढ़ाए जा रहे हैं और यदि उनकी जांचें कराई जाएं तो सब आटे दाल का पाव पता लग जाएगा। और इस बात के लिए आप भी दुखी रहते थे कि आप लोगों की चेयरमैन साहिबा क्या कर रही हैं और चेयरमैन साहब वृंदावन के क्या कर रहे हैं। आपका एक बड़ा वर्ग बराबर हमसे भी कोशिश करता था कि इन सब बातों की जांच कराई जाए। तो इंटरनल रोड्स और मेन रोड्स की जिम्मेदारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं कुंवर नरेंद्र सिंह, इनको कहने दिया जाए। सस्पेंड हो रही थी आजम खान से, इन्होंने ही बचवाया उसको, आजम खान से कह के इन्होंने ही बचवाया उसको, नहीं तो वो बहुत पहले हट जाती। उसकी जितनी जांचें थी उनका सबका चिट्ठा इनके पास था और ये खुद लेके गए और ये मिले और उसके बावजूद भी वो जांच में लिपापोती वार्निंग दे दी, जबकि जो इनके कांग्रेस का चेयरमैन था उसको इन्होंने हटवा दिया 2 साल, वो कोर्ट से होके आया। यहाँ पर ये कह रहे हैं जो छाता, ये कतरी करनी में फर्क है, दम्भ भरते हैं लेकिन वहां से आपको भी कुछ नहीं मिला छाता से। चाचा भतीजे एक ही पार्टी से टिकट ले आए फिर भी आपने खाया नहीं तो लड़का तो दिया ही। हमारा मथुरा जनपद है, हमें एक दिन वोट न दें तो अभी हम इनकी सेवा करेंगे, अगर वोट दें तो अच्छा, न दें तो अच्छा। जब तक शरीर में सांस है तब तक जनता की सेवा करेंगे। चलिए आज भी कर रहे हैं। देवेंद्र शर्मा जी बहुत होशियार है, बहुत विद्वान है, पहले ही मैं देख रहा था जब ये डिबेट हो रही थी तो यहाँ ये श्रीमान जी बैठे थे राजेंद्र जी, और ये हो रही थी बात कि किसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के तो किसी न नेता के ऊपर न मंत्री के ऊपर कोई दाग लगाई नहीं। अगर मैं अपनी जगह पर सही हूँ तो आप लोगों को ध्यान खराब होगा, एक हल्की सी सूचना आई और लाइन चली आपके इस पर चली नहीं होगी, इस पर चली थी वो जिस समय नोटबंदी का मामला चला था, 13,800 करोड़ रुपए का महेश नाम आया था, गुजरात के महेशा, महेश शाह। केवल हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और कोई सवाल नहीं पूछना चाहते, केवल इतना पूछना चाहते हैं कि वो बात आई और फिर वो कैसे दब गई, कहाँ चली गई। जब इतना बड़ा घोटाला वो था तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने किसी उसने ये प्रयास तक नहीं किया कि उसको बताएं तो सही जनता के बीच में कि भाई ये महेश शाह का नाम कैसे आया, कैसे हुआ। 13,800 करोड़ की बहुत बड़ी रकम होती है, जब एक एक पैसे को आदमी तरस रहा था, लाइन में डंडे खा रहे थे, बैंकों की लाइन में लग गए और एक आदमी पर 13,800 करोड़ रुपये मिले, तो इसका गुरु जी कोई जवाब नहीं दे पाए और वो लाइन चल के रह गई। अब बार बार लेके बैठ जाएंगे, कभी मंदिर को, कभी फलाने को, कभी किसी को, कभी किसी को। अरे भाई जो करने के काम है उन्हें करिए,
कौन कह रहा है आपसे तुम नहीं करेंगे? अब तुम जो पहले जमराज की बात करते थे, अब जमराज की बात करते तो यहाँ भी तुम बैठे हो, वहाँ भी तुम बैठे हो। और एक चीज मैं बता दूँ गुरु जी आपको, वहाँ भारती जी बहुत बड़ी बड़ी बात करती हैं, मैं आज आपके सामने लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि उसको तह में कोई नहीं जा रहा। जाके बात तो करते हैं, साहब हम हथनीकुंड पर जाएंगे, हथनीकुंड से पानी छुड़वाएंगे, क्या करेंगे? हथनीकुंड पर क्या कोई स्रोत लगे हुए पानी के? कोई भंडार भरा हुआ है वहाँ? एक बार पानी को वहाँ से निकाल दीजिए, बह के चला जाएगा, फिर कहाँ से आएगा पानी? तो ये समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता जब तक ऊपर के स्रोत नहीं होंगे। और इसमें निश्चित रूप से ऐसा कोई इनको प्रयोग करना पड़ेगा जिससे कि जो अविरत धारा अगर बहलाना चाहते हैं तो किसी न किसी नदी के साथ ऐसी नदी से उनको जोड़ना पड़ेगा जो हमेशा बहती रहे। हथनीकुंड से इसकी समस्या का समाधान होना नहीं, न गंगा के समाधान से होना है। तो ये निश्चित रूप से ये कितने ही इसमें लोग राजनीति कर लें और कितना ही पैसा आप देख रहे हैं गंगा पर, कितना पैसा बर्बाद हो गया अब तक, जमुना पर कितना पैसा बर्बाद हो गया, कहाँ गया कोई पता नहीं, कहाँ चला गया, कहाँ खा गए लोग। तो ये इस तरह से जो है समस्या का समाधान नहीं होना है। इस समस्या का समाधान केवल तभी होगा जब वहाँ से जल स्रोतों की व्यवस्था होगी और पानी आएगा। आप ये देख रहे हैं जमुना की क्या हालत है, दिल्ली की गंदगी है पूरी। आज स्थिति ये हो गई है, हमारे यहाँ जो अपर आगरा कैनाल का जो चैनल है जिससे हमारे यहाँ पूरे क्षेत्र में सिंचाई होती है, उसी वो इतना गंदा पानी है गुरु जी, किसान मजबूरी में उसमें जो है अपने खेतों में उसे इस्तेमाल कर रहा है। देवेंद्र जी एक बात मैं आपको बता दूँ, हमने एक योजना चलाई थी जब मैं सिंचाई राज्य मंत्री था उत्तर प्रदेश में, और चरण सिंह सिंचाई विकास योजना हमने चलाई थी, और 5000 क्यूसेक पानी हम गंगा जी का लाए थे, वो जाली डेम है जाली स्केप से, मुजफ्फरनगर में है जाली स्केप, और ला के हमने हिंडन नदी में डाला था, और ओखला से 5000 क्यूसेक पानी हम लेके आते थे उसमें जब ले, और जब नाम लाने के बाद पूरे सिस्टम में उससे सिंचाई होती थी। और पिछली बार जब बजट पे बात हो रही थी तभी हमने ये बात कही थी, तो ऐसी अच्छी योजना जो बंद कर दी गई है, तो मैं तो चाहूँगा इस योजना को चालू किया जाए, इस तरह की योजना। आप बिल्कुल कंक्लूजन पर पहुँच चुके हैं और यही हमारे जहन में आ रहा था। हमारे साथ रहे मथुरा जनपद के दो पूर्व विधायक, एक मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के और एक छाता विधानसभा क्षेत्र के। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ,